लार्ज, ये तीनों ही मंगवा लिए लार्ज, क्योंकि चाहिए होता है यूजली, तो वैसे मीडियम साइज ही यूज होता है सबसे ज्यादा। नानी देख लो ये आने वाले मग, अभी जब भी आऊंगी आपके घरे वाले मग ले आऊंगी, बहुत सुंदर नजर पड़ी थी इस पे, पड़ी थी कलरफुल वाले, फिर इसी को देख कर हम आए हैं। बट हमने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो कल तो मैंने शॉपिंग करी थी आर्य समाज रोड से, वहाँ पे बहुत प्यारे मिले। वहाँ से ना तीन सूट लिए थे, दो साड़ीज ली थी, बहुत बहुत अच्छा बना है कलेक्शन। एंड आज मम्मी और मैं जा रहे हैं हम लोग, एक तो मच्छर आने लग गए, आज हम लोग जा रहे हैं क्या कहते हैं रजौरी गार्डन जा रहे हैं, वहाँ से आज हम शॉपिंग करेंगे। एंड एक दिन में चांदनी चौक का भी प्लान बना रहे हैं, वहाँ पे भी जा रहे हैं। एक बार सब लोग कहते हैं चांदनी चौक जाओ चांदनी चौक जाओ, हमने कहा चलो एक बार चांदनी चौक जाके ना एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वहाँ पे है सब क्या सब कुछ। सो बस अभी घर का काम वाम तो हो चुका है, रोमा आजकल टाइम पे ही काम करके जा रही है, और क्या कहते हैं बस अभी नहा धोकर फिर रेडी वेडी होकर हम लोग भी टाइम से ही निकलते हैं। एंड आगे आपको जैसा भी होता रहता है साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। अभी आया है इतना बड़ा पार्सल, पार्सल तो दिखी ही होगा, सफारी से आया हुआ है। सो मैंने इसमें ना अपने वो मंगवाए थे बैग मंगवाए थे जो ट्रॉली लेके जानी है, बीच में से मम्मी ऐसे करके खोल के, हाँ सो ये अमेजोन से ही मंगवाए थे। अभी ओपन हो गया, बड़ी बहुत बड़ी निकालना जो, ये तो बहुत हैवी है। एक मिनट गाइस हमने निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये वाली मैंने मंगवाए है सूट केस, तो सफारी पे ना अभी ना ऑफर चल रहा था बहुत ही अमेजिंग, सो मैंने लार्ज, ये तीनों ही मंगवा लिए लार्ज, क्योंकि चाहिए होता है यूजली, तो वैसे मीडियम साइज ही यूज होता है सबसे ज्यादा, बट लार्ज होना ही चाहिए बिकॉज मीडियम में सारे कपड़े सब कुछ नहीं आने वाला था। और स्मॉल का वैसे बोलते कम यूज़ हो रहा है, बट मैंने ना इसके साथ तीनों में आ ही रही थी, मैंने सोचा स्मॉल ना मैं जब भी मम्मी के घर आया करूँगी ना, सो इसमें इजी मेरे कपड़े आ जाया करेंगे। और कई बार हमें एक आध दिन के लिए भी जाना होता है तो स्मॉल सबसे बेस्ट रहती है। मेरे पास जो भी बड़ी थी मेरे पास मीडियम साइज़ की ही थी, ये वाली जो हम यूज़ करते थे, ये वाली अभी थोड़ा इसको क्लीन करने वाला हो रहा है, ये स्काई बैग की थी, और ये वाली हमने सफारी की ही, मैंने तीनों एक जैसी ही मंगवाई है। सो कलर ऑलमोस्ट सेम ही है, ये थोड़ा लाइट है ये थोड़ा डार्क है, बट ये बहुत अच्छे लग रही है। एंड बहुत बहुत अभी ये रीजनेबल प्राइस पे मिली है मुझे। ये वाला जो बैग हमने लगेज बैग मैंने ऑर्डर करा था, ये आई डोंट नो व्हाई मतलब स्काई बैग की, ये मैंने सफारी का किया था, स्काई बैग की कंपैरिजन में मतलब मुझे उतना बेटर नहीं लगा। सो ये थोड़ा ना मतलब इतना हार्ड मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगा, वैसे ऑल दो बहुत अच्छा है नो डाउट, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मतलब ये थोड़ा ऐसे अंदर की साइड ज़्यादा जा रहा है। वैसे तो है तो अच्छा, सफारी है नो डाउट सब कुछ अच्छा है, तो थोड़ा अभी मैं थोड़ा इसको लेके डाइसी हो रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। सो अभी हम दोनों हुए हैं रेडी ट्यूजडे मार्केट जाने के लिए। आज वैसे रजौरी का सोचा हुआ था, बट रजौरी का अब कल का प्लान बन रहा है बिकॉज मन्नू भी कह रहे हैं उन्हें भी कपड़े देखने हैं, उनके एक ही बार चल पड़ती हैं। हाँ सो आज जाने का क्या फ़ायदा, और जो चांदनी चौक का सोचा हुआ था कल का वो हो रहा है पोस्टपोन परसों के लिए, बिकॉज उसके बाद तो फिर हम शिरडी जा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पाएगा। यहाँ तो लाइटें अभी से लग गई है देख रहे हो सामने, ये देखो ये लाइटें वाइटे सारी लग गई है, हाँ, बच्चे को ये पटाखे शुरू हो गया। सब्जियाँ ले आए थे जो लेनी थी, और पापा की शॉप पे आए, मम्मी ने देखा पापा चाय पी रहे, बस से रहा नहीं गया मम्मी, मैंने कहा मेरे लिए भी मंगा दो, इन्होंने पहले मैंने इनकी पी, इन्होंने फटाफट एक अपने लिए और मंगाई। अच्छा एक और पी रहे पापा, नहीं नहीं पापा की ये थी मैंने, अच्छा ठीक है लेके रखी थी मैं आ गई इतने में, चलो कोई नहीं लो। और हम ना आते वक्त ये सिंघाड़े लेकर आए हैं, इतनी मतलब इसकी खुशबू आ रखी होती है ना अलग सी, तो मैं अभी वही खा रही थी, मैंने कहा मुझसे भी मतलब मन करता है ना खाने, आपको छिल दूं? नहीं अभी नहीं। अच्छा तो चाय पियो चलो। हाँ। की शॉप के यहीं पे ही सोफे वाले कवर्स के वाले भैया थे तो सामने, हाँ सो हमने ना यहाँ पे कवर, तो आपको भी घर जाकर दिखा देंगे, तो बहुत प्यारे प्यारे थे। मेन जो हमारी नजर पड़ी थी इस पे पड़ी थी कलरफुल वाले, फिर इसी को देख कर हम आए हैं, बट हमने कहा कुछ ज्यादा कलरफुल हो रहा है तो हमने फिर सटल कलर्स ही ले लिए ब्राउन में ना, हाँ बाकी बहुत अच्छी वैरायटीज है इधर, काफी ज्यादा अच्छे ये कर लेते, बाकी घर आपको दिखाते कैसे है। तो आज नानी के लिए देखने गए थे कप ये वाले, इसमें दिखाना पास से एक और शेड आ रहा है, रेंदो मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये वाला शेड आ रखा है तो मैंने कहा एक ही है, हाँ नानी के लिए नए वाला शेड लेते हैं, है ना
चलो चलते हैं, बस घर चलते हैं जल्दी। अभी बस घर आकर थोड़ा रेस्ट करा। वैसे तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा है ना, ठंडा हो रखा है एकदम मौसम। तो हमने कहा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं कि क्या क्या लाए थे। पहले तो नानी के कप दिखा दो, ये वाले कप आपने बहुत देखे होंगे, पर ये डिफरेंट कलर भी दिखाई दिया था। वैसे तो पूरी फैमिली में हो गए वाले मग्स है ना। अब ललिता मासी रह गए, ललिता मासी को भी कहेंगे ट्यूसडे मार्केट से यहीं से देख लो। फिर जो कोई घर किसी के घर में गेस्ट जाएगा सेम मग है। अच्छा है मग तो मैं उत्थे वेखिया सी, पर डिफरेंट कलर विच है। हाँ हमारा वाइट है, मासी का पिंक हो गया और नानी का तो नानी वाले बहुत सुंदर आया है। नानी देख लो ये आने वाले मग, अभी जब भी आऊंगे आपके घर वाले मग ले आऊंगी, बहुत सुंदर है ना ये। टी मग्स अच्छे है वाले, तो ये वाले है ये। और इसके बाद हमने जो सोफा कवर लिया था गाइस, ये दिखा देते आपको। इसमें ना कलरफुल भी था, बट खोलना मम्मी, हमने कलरफुल नहीं लिया। ऑरेंज कलर था, उसमें ग्रीन था, रॉयल ब्लू था, पर ना बहुत कलरफुल दिख रहा था। हाँ हमने कहा रूम ये ना अलग ही हो जाए। हाँ ये ना कि सारा रंगीनियाँ तैयार हो जाए, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा ऐसा ले जो हमेशा सही रहे। तो ये ब्राउन में ही लिया है, एंड ये वाले इसके साथ के लिए है कुशन कवर्स लिए है। मैं मम्मी को बोल रही ये मुझे सही नहीं लग रहा, आप लोग बताइए गाइस ये क्या करो, क्योंकि थ्रेड से हो रहा है, ये हटने को हट भी जाएगा। आप लोग बताओ इसे मैं हटाऊं या लगे रहने दूं, आप लोग मुझे बताना। जब होगा तब तक देखो। अरे मुझे ये स्टीकर इतना अच्छा ही नहीं लग रहा, छोड़ दे। हाँ अपनी कलाकारी मत कर, ऐसी रहने दे। चलो ठीक है, बट आप लोग जरूर बताना कमेंट्स में इसको हटाओ या इसको लगे रहने दो, स्नो फ्लेक टाइप में जो भी बनाऊंगा। अभी यूट्यूब फैमिली बताएंगे, अब वो डिसाइड करेंगे थोड़ा। और ये वाला तो बहुत सुंदर है, हाँ सो ये बहुत सुंदर है ये वाले। हाँ फैब्रिक अच्छा है, मोटा लिया है, तो देखते हैं जब बिछाएंगे तब आप लोगों को दिख ही जाएगा। क्योंकि मैंने कहा दिवाली से पहले ना, दिवाली से पहले का मतलब जैसे एक तारीख को मैंने कर ली इसकी। हाँ तब बिछा हाँ, देंगे। क्योंकि थोड़ी सी ना ये शादी की सफाइयाँ वो तो गई है काफी, हम लोगों ने नवरात्रों में कर दिए, पर बट फिर भी आपको पता है कि 15-1 दिन में फिर थोड़ा घर ऐसा हो जाता है, हो जाता है, बार बार करना पड़ता है उस चीज को। 10-15 दिन बाद देखो अपने यहाँ मिट्टी जगह जगह आनी शुरू हो जाती है। अभी घर आए थे वापस और आते फिर थोड़ा सारा समेटा, एंड अभी मैं जा रही हूँ अगेन, मन्नू के साथ जा रहे हैं। सो हुआ क्या गाइस, हमें ना लास्ट मोमेंट पे अपना जो शादी का वेन्यू है वो चेंज करना पड़ रहा है ड्यू टू पर्सनल रीजन। सो रीजन तो रिवील नहीं कर सकते, बट ये शादी का वेन्यू चेंज करना पड़ रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट, वैसे हमने पहले जब ऑप्शन रखे हुए थे तो हमने 2-3 ऑप्शन रखे हुए थे, तो आज एक बार देखने जा रहे हैं अच्छे से। अभी मन्नू और मैं ही जा रही हूँ, अगर हमें थोड़ा सही लगता है सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर हमारे पेरेंट्स जाकर सब देख लेंगे, सब फाइनल करके वो हो जाएगा। अभी फिलहाल जल्दी से निकलती हूँ एंड आपको आगे फिर मैं अपडेट करती हूँ। घर आए थे वापस एंड चेंज करा, और क्या कहते हैं गाइस, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है। मन्नू और मैं स्कूटी पे थे, इतनी ज़्यादा मतलब ठंडी हवाएं चल रही थी, अभी ऐसा लग रहा था तो कुछ शॉल होती है ओढ़ने के लिए या फिर कुछ जैकेट पतली वाली कुछ होता कि मतलब जिससे इतनी ठंड ना लगे, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाहर ठंड हो रखी थी। और लिटरली मतलब एक मौसम में मुझे, एक बारिश में मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा मौसम चेंज हो जाएगा। अब ना विंटर वाइब्स आ रही है, एक्चुअल में विंटर वाइब्स आ रही है। सो एसी तो हमारे घर बंद हो चुका है, तो आप लोग भी बताइए अभी भी आप लोगों के घर एसी चल रहे हैं, आप लोगों के घर भी बंद हो चुका है या नहीं हो चुका। सो वेन्यू तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे ज़्यादा नहीं बना पाए बिकॉज किसी और की पार्टी चल रही थी वहाँ पे। सो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि पार्टी हॉल में ऐसे मैं वीडियो बनाऊँ, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट कर ही लिया था, और अब बाकी बाद में एक बार पेरेंट्स जाके देख लेंगे, उन्हें फिर जैसा ठीक लगेगा वैसे ही कर देंगे। और ऑलमोस्ट तो वो डन ही लग रहा है, बिकॉज पहले भी वो देखा ही हुआ है सबने, जब हम सब गए थे तब एक नज़र तो उस पर देखी ही थी। 2-3 थे, 2-3 में से हमें एक फाइनल करना था, तो हमने पहले दूसरा किया, अब हमने सोचा वो ना करके ये वाला फाइनल कर लेते, बिकॉज अभी भी वहाँ पे हमने बिल्कुल पेमेंट वगैरह तो कुछ ऐसी कर नहीं रखी थी, तो यहाँ पे अब जाके सब कुछ कर देंगे। मुझे जैसा भी होगा आप लोगों को आने वाले ब्लॉग्स में तो पता चल ही जाएगा। एंड आज ना मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपने अपनी शॉपिंग तो दिखाई नहीं, आपने अपनी शॉपिंग तो दिखाई नहीं। गाइस आप किसी भी अच्छे शॉप पे जाएंगे ना, सबसे पहले तो वो कभी भी आपको अपना कलेक्शन शूट नहीं करने देंगे। आप जो फाइनल कर रहे हैं जो भी आउटफिट्स, आप उन्हीं को ही शूट कर सकते हो, उसके अलावा आपको किसी भी और सूट्स को परचेज कह रही हो कैप्चर नहीं करने देंगे, ठीक है।
सेकेंड अभी मुझे ऐसा लग रहा था, जो मैं साड़ीज तो अभी मुझे मिली ही नहीं है साड़ीज तो, क्योंकि फॉल वगैरह लगती है उसकी फिनिशिंग होती है। ब्लाउज का उन्होंने मुझे पीस दे दिया था, बट साड़ी अभी उन्हीं के पास है। और 22 को उन्होंने बोला था ले लेना संडे को, एंड 3 सूट्स में ले आई थी। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अभी वो सूट दिखाती हूँ तो वो थोड़ा लुक उसका मतलब कम हो जाएगा। बट येस, आप लोग भी अपनी जगह सही हो कि जो भी शॉपिंग कर रही हो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। सो अभी तो मनु ने भी सूट नहीं देखे हुए कि कौन से सूट लिए कौन से नहीं लिए, तो कल मैं ट्राई करूँगी पूरा। तो ऑब्वियसली मैं अभी पूरी लुक नहीं रिवील करना चाहूँगी पूरे सूट की, बट स्टिल समहाउ थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको सूट्स का दे दूँगी कि ये सूट्स का मैंने कलेक्शन लिया है, ठीक है। बाकी आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए पूरा। अगर मैं अपना सारा अभी सारे आउटफिट्स रिवील कर दूँगी सो बाद में इतना वो थोड़ा ना एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, फिर कहोगे अरे तो देखा हुआ था ना, हाँ हम मतलब क्या होता है कोई कपड़ा दिख जाए ना तो बंदा ना ऑलरेडी ना सामने वाले को उस कपड़े में इमेजिन कर लेता है कि उसकी लुक ना काइंड ऑफ ऐसी ही आएगी। सो एक जो सरप्राइज एलिमेंट होता है जो मैंने खुद से मतलब अभी तक ऑब्जर्व किया है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट यस, आप लोगों के लिए मैं मतलब दिखा दूंगी सूट पूरा ढंग से नहीं, बट थोड़ा थोड़ा करके दिखा दूंगी कि ऐसे ऐसे लाई हूँ सूट। सो बस अब आज के लिए इतना ही करती हूँ आज वाला ब्लॉग यहीं पे, एंड मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अगर गाइस, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।